नमस्कार, मैं हूं जगतपाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप इंडिया। आज हम एक ऐसी चीज़ों पर बात करने वाले हैं जो आपके मन को निश्चित रूप से उद्विग्न कर देगा, आपको निश्चित रूप से बेचैन कर देगा। और ये घटना है रांची जिला स्थित बुंडू के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र का नाम, जिसका नाम है अमनबुरु। अमनबुरु में एक ऐसी घटना घटी है जो हर व्यक्ति का ध्यान आज उधर की ओर जा रहा है। आज से ठीक कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसको आज आपके सामने ये न्यूज़ टॉप इंडिया लेकर के आ रही है, वो तमाम चीज़ों को जो आपको आज सच का आईना दिखाई देगा, सच के पर्दे पर आप देख सकेंगे कि सच्चाई आखिर क्या है और क्यों ये चीज़ें हुई। अमनबुरु स्थित इस जगह पर, जो कि बुंडू थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है और बहुत ही एक ऐसा सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहाँ पर ग्रामीण लोग रहते हैं, वहाँ पर कुछ लोग, लगभग चार लोग आए हैं और जिनका परिचय आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि आज से ठीक चार कुछ दिन पहले जब अमनबुरु स्थित इस चार आदमी के बीच में कई सारे प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, जनप्रतिनिधि, जब इस बात का खोज, इस बात की जानकारी जब उनको मिली कि वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की चीज़ें जो कि समाज से युक्त और नीति युक्त कार्य नहीं हो रहा है, जब उसकी संज्ञान मिले तो थाना प्रभारी, यहाँ तक कि जो पंचायत समिति है, मुखिया है, सभी लोगों ने इसका ज्ञान लिया कि वहाँ पर किसी प्रकार की जो शादी की बात चल रही है और कहीं ना कहीं एक प्रकार का मामला है जो कि मामला संगीन है। उन्हें ये खबर मिला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं और किसी प्रकार की जो घटना है जो कि समाज के हित के लिए नहीं है, इस तरह का संज्ञान में आता है। जब पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि जो जो उस क्षेत्र के मुखिया हैं या पंचायत समिति के लोग हैं, जब इनकी जानकारी हुई तो उन लोगों ने इस चीज़ को देखा कि कुछ लोग बाहर से आए हैं और कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, लेकिन उनको सब नॉर्मल लगा, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें नहीं लगी। लेकिन जब ये बात, यह खबर न्यूज़ टॉप इंडिया की टीम को लगी तो वो जब जाकर के उसकी छानबीन करते हैं, उनसे लगभग दो घंटे तक पूरी तरह से विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, तो मामला कुछ और ही नज़र आता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये घटना है और ये घटना कुछ न्यूज़ टॉप इंडिया के जो रिपोर्टर हैं, जब इसकी तहकीकात करती है तो मामला बिल्कुल बहुत ही गंभीर सा प्रतीत होता है। न्यूज़ टॉप इंडिया के जो तहकीकात के दौरान ये मालूम चलता है कि कुछ लोग जो झारखंड प्रदेश से बाहर के हैं, जहां पर ये लोग जो आए हैं और वो ये कहते हैं कि हम एमपी पे हैं, एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो कोई पंजाब के हैं, तो कोई यूपी के हैं, इस प्रकार की बातें सामने आती है। चार लोग ऐसे हैं जो अपने आप को एमपी के बताते हैं, एक पंजाब के बताते हैं, यूपी के बताते हैं। इनकी बातों में कोई सार्थकता या इनकी बातों में स्पष्टता नज़र नहीं आती और जब गहन पूछताछ की जाती है तो ये बात सामने आता है कि उसमें से दो लोग पंजाब के हैं, एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का है और एक व्यक्ति दिल्ली का है। जब ये बात जब सामने आती है तो उनसे पूछा जाता है कि आखिर आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो मालूम चलता है कि वो सारे लोग यहाँ पर किसी के कानछेदी के कार्यक्रम में आए हैं। कानछेदी की बात होती है कि कानछेदी के कार्यक्रम को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। जब हमारे जो टीम है, जब वहाँ पहुँचती है और उनके आधार कार्ड को चेक करती है तो उनकी बातों में एक रूपता नज़र नहीं आता, उनकी बातों में वो चीज़ नज़र नहीं आता जो वो कह रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए हैं, तो उनसे ये जानकारी प्राप्त होती है कि हम यहाँ पर किसी न किसी प्रकार के कानछेदी के कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आए हैं। ये बात सामने आती है और उसमें से दो लड़की, मालूम चलता है कि ये दोनों बच्चियाँ जो कि आज उनके कस्टडी में, कह सकते हैं उनके साथ में हैं, वो दोनों बच्चियाँ जो है आज उनके पास में रही और किसी एक जगह जिसका नाम है शंभू मुंडा, जो उसी गांव में रहते हैं, शंभू मुंडा के घर में पिछले सात दिन तक वो लोग वहाँ पर रहते हैं और वो दोनों लड़कियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस दौरान उनकी बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि उनको शायद जो लड़कियां हैं, लड़कियों के चाचा जो कि उनके साथ शायद किसी न किसी रूप से सौदा कर लिए हैं और पैसा उनको मिल चुका है, और इस बात की जानकारी जब इन दोनों लड़कियों को मिलती है और उनको उस घर से निकाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आप, तुम्हारी
जो है ना किसी न किसी प्रकार की जो वैवाहिक बंधन है इस इन लोगों के साथ होने वाला है। और ये चले जाते हैं शंभू मुंडा के घर में, और शंभू मुंडा के घर में आने के बाद इन दोनों लड़कियों को बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। सवाल यहाँ ख़त्म नहीं होता है, सवाल ये है कि ये जब घटना चीज़ों को जब होती है तो ये लड़कियाँ जिसमें जो बड़ी है और ये जो लोग चार लोग जो बाहर से हैं वो ये कहते हैं कि हम सब लोग यहाँ पर कानछेदी के कार्यक्रम में आए हैं, और कानछेदी के कार्यक्रम के दौरान जब उनको एक जगह रखा जाता है, चूँकि ये अब जा नहीं सकते क्योंकि प्रदेश में लॉकडाउन है, देश में लॉकडाउन है, अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो दो लड़कियाँ आखिर क्यों उनके कस्टडी में हैं, क्यों उनके साथ अंदर में उनको बाहर नहीं निकालने दिया जाता। इसी बीच में जब हमारी टॉप इंडिया न्यूज़ टॉप की जो हमारे जो सदस्य हैं जब इसके लिए तहकीकात करती है तब मालूमात चलता है कि ये चारों लोग अपनी जो ठिकाना है वो अलग अलग बता रहे हैं। तो कोई कहता है कि यूपी का है, तो कोई कहता है एमपी का है, कोई कहता है इस तरह का। जब घटना पूरी गंभीरता से लिया जाता है तो पता चलता है कि दो लोग पंजाब के हैं, एक मध्य प्रदेश का है और एक दिल्ली का है। उसके बाद हमारी टीम वहाँ से निकलती है, लेकिन इसी दौरान किसी के कह देने से कि भाई एक दो लड़कियाँ भी इनके साथ हैं, इसके बाद पुनः हमारा जो टीम वापस पहुंचती है और उनसे ये पूछा जाता है कि हम उन दो लड़कियों से बात करना चाहते हैं जो आपके साथ में हैं। जब ऐसा होता है तो दो लड़कियों को ये बता दिया जाता है कि किसी प्रकार की बात आप नहीं बहुत बताना, सिर्फ ये बताना। और ये बात जब सामने आती है तो हमारे जो हमारे जो रिपोर्टर हैं वो बड़े स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, बड़ी गंभीरता से इस मामला को ऑपरेशन करते हैं और लगभग उस घर से 100 मीटर की दूरी पर जाते हैं, और जाने के बाद उन लड़कियों से बहुत ही दयापूर्ण सवाल करते हैं कि किसी न किसी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बात को रखें, हो सकता है आपको कोई मदद मिल सके। अब ये प्रश्न उठता है कि पिछले एक सप्ताह वो लगातार घर के अंदर में रहती है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, और इसी दौरान उनको ये पता चल जाता है कि वो दोनों लोग जो शंभू के घर में, शंभू मुंडा के घर में ठहरे हुए हैं, उन लोगों की जो चीज़ें हैं जो बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि वो इसके अलावे और लड़कियों की खोजबीन कर रहे हैं, शायद उनको और लड़कियों की जरूरत है। प्रश्न ये उठता है कि अगर सवाल यहाँ कानछेदी का होता तो बात समझ में आती, लेकिन एक सप्ताह के दौरान और इस तरह की घटनाएं जो लड़कियां कह रही हैं उनके हिसाब से और लड़कियों की वो तलाश कर रहे हैं, तो मामला बहुत ही गंभीर और बहुत ही सनसनीखेज है। जब इस बात का पता चलता है तब वो दोनों लड़कियां जो एक छोटी हैं और एक बड़ी हैं, बड़ी भावुक होकर के सारी चीज़ें सच्चाई कहते हैं, और वो कहते हैं कि हमें ये बताया गया कि किसी न किसी से आपकी विवाह संबंध होगा, शादी हो जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर विवाह होना है तो विवाह आखिर ऐसे तो नहीं होता है, सामाजिक रीति रिवाजों के साथ होता है। ये प्रश्न जब उनसे पूछा गया, वो चार लोगों से पूछा गया और गाँव के भी लोगों से पूछा गया कि आखिर इसकी शादी कैसे हुई है, तो कुछ लोगों का अलग अलग जवाब आता है। खुद वो कहते हैं कि शादी मंदिर में हुई है, और गांव के जो लोग जिन्होंने शादी कराई वो कहते हैं कभी घर से हुई है। ये बिल्कुल एक रूपता नज़र नहीं आता, कहीं ना कहीं ये मामला बहुत संगीन है, और ये मामला निश्चित रूप से इसलिए संगीन है क्योंकि तमाम जानकारियों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं से ये जब बात कराई गई तो लोगों को यही पता चला कि कानछेदी का कार्यक्रम है, लेकिन अभी इसकी तहकीकात चल रही है, इसकी बहुत ही गहन तहकीकात चल रही है। हमारे संवाददाताओं की जब ये घटना स्टिंग ऑपरेशन हुआ तब ये मालूम चला कि ये घटना बहुत संगीन है, और निश्चित रूप से इस घटना की तहकीकात जड़ से करना आवश्यक है। बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर घटने वाली है, घटना जिसका पर्दाफाश अभी होने वाला है। अभी जिस वक्त ये न्यूज़ स्टॉप इंडिया के माध्यम से इस न्यूज़ को कवर किया गया उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उन तमाम चारों लोगों को अभी पुलिस अपने कस्टडी में ला करके उसकी पूछताछ अभी लगातार चल रही है। आखिर मामला कितना संगीन है, मामला कितना गंभीर है, ये बात अभी आपको पता चलेगा। निश्चित रूप से ये दोनों जो लड़कियां हैं और ये जो चार लोग हैं ये अभी थाना में अभी पुलिस की कस्टडी में है और इसकी पूछताछ चल रही है।